कछुए टर्टल्स या कूर्न टेस्टुडनीज नामक सरीसृपों के जीववैज्ञानिक गण के सदस्य होते हैं, जो उनके शरीरों के मुख्य भाग को उनकी पसलियों से विकसित हुए ढाल जैसे कवच से पहचाने जाते हैं। कछुए को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थलीय कछुए और जलीय कछुए। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियाँ हैं। कछुओं की सबसे पहली जातियाँ आज से 15.7 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी, जो कि सर्वप्रथम सर्पों व मगरमच्छों से भी पहले था, इसलिए वैज्ञानिक उन्हें प्राचीनतम सरीसृपों में से एक मानते हैं। कछुओं की कई जातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 327 आज भी मौजूद है। तो चलिए अब हम आपको कछुए के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अंटार्कटिका को छोड़कर ये लगभग उन सभी महाद्वीपों पर रहते हैं जिनका तापमान इनके प्रजनन के लिए पर्याप्त गर्म हो। हॉक्सबिल नाम का एक समुद्री कछुआ सिर्फ ऐसे जीवों को खाता है जो कि जहरीले होते हैं। कछुए अपने खोल से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह उनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है और शरीर के साथ ही बढ़ता है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी भी होते हैं, जो कि मांस और पौधे कुछ भी खा सकते हैं। कई बार कछुओं के बच्चे मांसाहारी के रूप में जीवन शुरू करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पौधे खाना शुरू कर देते हैं। कछुओं की 318 से ज्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है, इनमें से कुछ थल पर और कुछ जल में रहती है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। कछुए जहरीले नहीं होते और ना ही इनके काटने पर जहर निकलता है और ना ही इन्हें खाते समय। कछुओं के लिंग का पता लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। इनकी छाती का कवच सबसे आसान तरीका है नर और मादा की पहचान करने के लिए। अक्सर नर कछुए मादा से थोड़े लंबे और इनकी पूंछ भी मादा से लंबी ही होती है। कुछ खास तरह के कछुए अपने पिछवाड़े बच से भी सांस ले सकते हैं। समुद्री कछुआ का कवच सेंसिटिव होता है, वो यहाँ से हर रगड़ और खरोंच को महसूस कर सकते हैं। कुछ कछुए 150 या उससे ज्यादा साल तक जीवित रह सकते हैं। एक हैरियट नाम का कछुआ, जिसकी देखभाल चार्ल्स डार्विन इंसान को बंदर की औलाद बताने वाला द्वारा 1835 में की गई थी, उसकी मौत 2006 में ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में हुई। मरते समय इसकी उम्र 175 साल रही होगी। प्राचीन रोमन मिलिट्री कछुओं से बहुत प्रभावित हुई थी। कछुओं से ही उन्होंने लाइनें बनाना और ढाल को सिर के ऊपर रखना सीखा ताकि दुश्मन से सुरक्षित रहा जाए। कछुए अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। मादा कछुए पहले मिट्टी खोदते हैं, फिर वहां एक बार में 1 से 30 अंडे देते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में इनकी सहायता करता है। कछुआ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीवित प्राणियों में से एक है। सन 1968 में सोवियत संघ ने दो कछुओं सहित कई जानवरों के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष में एक सप्ताह बिताकर लौटने के बाद देखा गया कि इन दोनों कछुओं के शरीर का वजन 10% कम हो गया था। अगर कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी ये 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कछुए के खोल शेल में 60 हड्डियां होती है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कछुए के शरीर के वजन का 40% भाग पानी होता है। दरअसल रेगिस्तानी कछुए बरसात के दिनों या अलग अलग जल स्रोतों से भारी मात्रा में पानी पीकर स्टोर कर लेते हैं ताकि सूखे के दिनों में यह काम आ सके। कछुए के मुंह बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन उनके दांत नहीं होते हैं। कछुए का खोल कठोर होने के कारण ये अन्य जानवरों और मनुष्यों की तरह सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फुला सकते, इसलिए कछुओं में मांसपेशियों का एक विशेष समूह विकसित होता है जो उन्हें सांस लेने में सहायता करता है। अभी धरती पर जो सबसे ज्यादा उम्र का जीवित प्राणी है वो एक जोनाथन नाम का कछुआ है। जब ये 50 साल का था तब सेंट हेलेना के गवर्नर को अफ्रीका के एक छोटे से टापू की तरफ से गिफ्ट में मिला था। आज यह 187 साल का है और स्वस्थ हालत में है। इसकी लंबाई 45 इंच और ऊंचाई 2 फीट है। ये यहाँ इतना प्रसिद्ध है कि सेंट हेलेना के 5 सेंट के सिक्के के पिछले भाग पर इसकी तस्वीर है। गैलापागोस प्रजाति का कछुआ पक्षियों का शिकार भी करता है। इसके लिए वह पक्षियों को अपने खोल के नीचे खींचकर दबा देता है और उसे अपने वजन से कुचल देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जायंट टॉर्टस का वैज्ञानिक नाम तय होने में 300 साल लग गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता था और जब भी सैंपल के लिए कोई कछुआ यूरोप भेजा जाता था, लोग उसे रास्ते में ही मारकर खा जाते थे। कछुए लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। यही कारण है कि वे अपने शेल के अंदर इतने लंबे समय तक रह लेते हैं।
इनका खून ठंडा होता है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। अगर आप कछुआ पकड़ना चाहते हैं तो इसे अपने दोनों हाथों से ही पकड़ें, एक हाथ इसके शरीर के नीचे जरूर रखें क्योंकि ये अपने नीचे हवा महसूस करने पर डर जाते हैं। इनकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आसपास के गंध को सूंघने के लिए ये अपने गले का उपयोग करते हैं। कछुए की कई प्रजातियां लुप्तप्राय हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार आज पृथ्वी पर कछुओं की लगभग 300 प्रजातियों में से 129 असुरक्षित या लुप्तप्राय हो चुके हैं। जमीन पर रहने वाले कछुए शाकाहारी होते हैं, वही पानी में रहने वाले कछुए मछली खाकर अपना गुजारा करते हैं। कछुए का कवच बहुत ही मजबूत होता है। यह कवच गोली, कुत्ते और मगरमच्छ का भी सामना कर सकता है। कछुओं को अपने कवच में छुपने से पहले फेफड़ों को खाली करना पड़ता है। छिपने से पहले आप उन्हें सांस छोड़ते हुए सुन सकते हैं। कछुए ठंडे खून वाले जीव है। ठंड में इनका शरीर जम जाता है और ये शीत निंद्रा में चले जाते हैं। कछुए बहुत धीमी गति से चलते हैं। ये धरती पर चौथे सबसे स्लो एनिमल है। लगभग सभी कछुए 270 मीटर प्रति घंटा 6.4 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अब तक किसी कछुए की अधिकतम स्पीड 11 इंच प्रति सेकंड यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। कछुए पिछले 20 करोड़ सालों से धरती पर रह रहे हैं। वैज्ञानिकों को इनका जो आखिरी जीवाश्म मिला है वह 12 करोड़ साल पुराना है। ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ और पक्षियों से पहले धरती पर आए थे। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। एक टॉर्टस टर्टल होता है लेकिन टर्टल टॉर्टस नहीं होता। सभी रेंगने वाले और कवच वाले जीव जो चेलोनी परिवार से संबंध रखते हैं उन्हें टर्टल कहते हैं और स्थलीय कछुआ को टॉर्टस कहते हैं। कछुए जितने गर्म मौसम में रहेंगे उनके कवच का रंग उतना ही हल्का होगा। जिन कछुओं के कवच का रंग गहरा होता है वो उतने ही ठंडे इलाके में रहते हैं। कछुए सिर्फ सेक्स करते समय ही फुफकार जैसी आवाज निकालते हैं, वैसे आमतौर पर कोई आवाज नहीं निकालते। जुरासिक पार्क फिल्म में जो डायनासोरों की आवाज है वो असल में कछुओं की सेक्स करते समय निकलने वाली आवाज है। कछुए का कवच कोई वस्तु नहीं है जो वो अपने शरीर पर रख कर चलते हैं, बल्कि ये इनके शरीर का एक हिस्सा है जो नसों से जुड़ा होता है। शरीर के साथ साथ इनके कवच का भी विकास होता है। जिस तरह इंसान के शरीर से रीढ़ की हड्डी को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह बिना मारे कछुओं के कवच को भी अलग नहीं कर सकते। कछुए का वैज्ञानिक नाम टेस्टुडिनिडाए है। कुछ उष्णकटिबंधीय द्वीपों में विशालकाय कछुए भी पाए जाते हैं जिन्हें जायंट टॉर्टस कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट तक हो सकती है। यही नहीं, इनका वजन 400 किलो से भी अधिक हो सकता है।